Hello students, let us understand the following question. Point capital P divides the line segment joining the points A order pair 2, 1 and B order pair 5, minus 8 such that AP upon AB is equal to 1 upon 3. If P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. So, let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो कि क्या है टू वन एंड बी इज फाइव माइनस एट एंड पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ओके एंड बता रखा है कि पॉइंट पी जो है पी लाइज ऑन लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो इसे हमने इक्वेशन वन देके छोड़ दिया सो लेट सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली अब हमें जो रेशियो दे रखा है वैसे तो पहले हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि किस तरीके की सिचुएशन होगी तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और इधर कोई पॉइंट बी कंसिडर कर लिया तो इसको ज्वाइन करने के बाद में एक लाइन सेगमेंट बन रही है ऐसे रफली हमने ज्वाइन कर लिया है ना तो एक लाइन सेगमेंट बन गया और कह रखा है कि पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट तो ये जो पी है यहाँ इन साइड ए बी कहीं बैठा होगा है ना तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या दे रखे हैं टू वन ओके एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें माइनस ये फाइव माइनस एट है ना फाइव माइनस एट ओके और दिस इज पी तो एक्चुअली हमने पी के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया क्या एक्स कॉमा वाई ओके तो आ, अब हमें यदि कहीं से पता चल जाए रेशो एपी इज टू पी बी तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं और पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद में ऐसे हम इस लाइन से सेटिस्फाई कराएंगे और के की वैल्यू इजिली आ जाएगी है ना तो चलिए अब सबसे पहले ये जो रिजल्ट गिवन है हमें क्या एपी अपॉन ए बी इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं एपी इज टू पी बी फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये देख रखा है वन अपॉन थ्री तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे तो यह आ जाएगा ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन अब हम दोनों ही साइड में क्या कर देंगे माइनस वन तो ए बी अपॉन एपी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन माइनस वन तो अब हमें क्या करना है दोनों ही साइड में एलसीएम ले लेना है तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा देखिए इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस में ए पी और अपॉन AP इज इक्वल टू थ्री माइनस वन अपॉन में कितना हो जाएगा अपॉन तो वन तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे चलिए लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना तो ए बी माइनस ए पी फ्रॉम फिगर ए बी माइनस ए पी करेंगे तो इट बिकम्स पी बी और डिवाइड बाय ए पी इज इक्वल टू टू अपॉन वन तो यहां से हम देख पा रहे हैं ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन में टू तो यहां से देख पा रहे हैं ए पी एस टू पी बी जो है वो कितना आ जाएगा वन इज टू टू ओके तो यहां पर यदि हम देखें अगेन तो जो रेशो है वो ए टू पी और पी टू बी कितना है वन इज टू टू है अब यदि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इधर का जो रेशो है इधर के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है और इधर का जो रेशियो है इधर के, इदर के एक्स uh, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है वैसे सेम किसके लिए होता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो अब हमने क्या करना है पी के एक्स uh, कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बाई सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे हम इसके लिए ओके okay. तो देखिए एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू इधर का एक्स कोऑर्डिनेट जो क्या टू इंटू टू ओके और डिनोमिनेटर में आ देखिये वन इंटू या चलिए हमने क्या करना है साथो वाई साथ कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ओके वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस एट प्लस टू इंटू वन ना और डिवाइड बाय वन प्लस टू तो अब हमने यहां पर क्या करना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आते हैं तो इम्प्लाइज टू वन इन दैट इज फाइव और इन नाइन नाइन डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू कितनावल टू माइनस एट प्लस टू डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू तो देखिए यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट थ्री और वाई कोऑर्डिनेट माइनस टू अब कह रखा है कि पॉइंट एक्चुअली के की वैल्यू फाइंड करना है ना तो ये पॉइंट पी लाइन वन पे लाई कर रहा है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी लाई ऑन लाइन वन है ना लाइन वन तो ऑबियस इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन तो वन का इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं तो इक्वेशन में देखा है टू एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो तो x और y के प्लेस पे ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रख दिए जाएंगे तो सबसे पहले एज इट इज करते हैं कि टू एक्स माइनस वाई प्लस के लिख दिया है ना तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है थ्री और y के प्लेस पे कितना रखना है माइनस टू तो देखिए क्या हो जाएगा देयर फोर टू इंटू थ्री माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो सो इम्प्लाइज दैट देखिए सॉरी यहाँ पर अगर हमने तो वाई की वैल्यू रखी नहीं है ना तो वाई की वैल्यू रखना होगा सबसे पहले हमें तो देखिए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस टू प्लस में के इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दू कितना हो गया माइनस एट तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस एट सो दिस इज फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड बाय दि सॉल्यूशन थैंक यू